नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट हेल्थ टिप्स लेकर के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कच्चा केला खाने के फायदे और थोड़े से नुकसानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कच्चा केला दिखने में जितना अच्छा होता है उतना खाने में भी। ज़्यादातर इसका सेवन सब्जी और नमकीन के लिए किया जाता है। कच्चा केला हो या पका, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल और वजन को कम करने में भी मददगार होते हैं। तो आइए जानते हैं कच्चा केला खाने के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, इसका पहला फ़ायदा होता है स्टार्च का बेहतरीन सोर्स। जी हाँ दोस्तों, रेजिस्टेंट स्टार्च एक अलग तरह का स्टार्च होता है जो शरीर के लिए ज़रूरी तत्व है। यह शरीर की कई प्रकार की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने में अहम भूमिका निभाता है। कच्चे केले में इसकी काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि भोजन में रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा डायबिटीज, अपच, गैस और दिल की बीमारियों के साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है और अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही यह फूड को ज़रूरी एनर्जी में बदल देता है जो वजन कम करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। दोस्तों, कच्चे केले का भोजन में उपयोग कर शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर कार्य करता है जो स्किन इन्फेक्शन से बचाने के साथ ही कई सारी बीमारियों से लड़ने में भी सहायक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी, एनीमिया, मसूड़ों की समस्या और हार्ट रिलेटेड कई समस्याओं का खतरा बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, कच्चे केले में फाइबर की पर्याप्त मात्रा होती है। एक कप उबले कच्चे केले में 3 से 6 ग्राम फाइबर पाया जाता है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों के खतरे को भी काफ़ी कम करता है। खाने में इसे शामिल करने से जल्दी ही वजन कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। शरीर को रोज़ाना करीब 14% फाइबर मिले तो पेट संबंधित कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। केला खाने से पर्याप्त मात्रा में फाइबर की कमी की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, सभी हरी सब्जियाँ पोटेशियम का खजाना होती है। कच्चा केला भी उनमें से एक होता है। ज़्यादातर लोग अपनी डेली डाइट में पोटेशियम की उतनी मात्रा नहीं ले पाते जितनी शरीर को ज़रूरत होती है। दिन भर इसकी कमी को कुछ ना कुछ खाकर पूरा कर पाना मुश्किल है। इसके लिए ज़रूरी है पोटेशियम से भरपूर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ का सेवन। केला खाकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इसकी भरपूर मात्रा में शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को सही रखती है। साथ ही मसल्स, नर्वस सिस्टम भी सही ढंग से कार्य करते हैं। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है विटामिन B6 का। विटामिन B6 की सबसे ज़्यादा मात्रा कच्चे केले में पाई जाती है। यह पानी में आसानी से घुलने वाला विटामिन होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेवार केमिकल के बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। मोटापे को कंट्रोल करने के लिए भी कच्चा केला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन B6 हीमोग्लोबिन को बनाने में भी सहायक होता है, जिससे सेल्स, टिश्यू और बाकी अंगों को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे इसके कमाल के और लाजवाब फायदे। लेकिन इसके साथ ही इसके थोड़े से कुछ नुकसान भी होते हैं जिनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको इससे होने वाले थोड़े से नुकसानों के बारे में। दोस्तों, कच्चे केले में पके हुए केले के मुकाबले एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें स्टार्च की मात्रा से गैस की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे इसके थोड़े से नुकसान। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।